This conference will now be recorded. क्या बात है, प्रदीप भी आ गया। ठीक है, तो हमें ऑटोकैड का बेसिक्स थोड़ा बहुत जिसको भी आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो वहां से हम सीखेंगे। और दूसरी चीज, मैं आपको वर्कबुक दूंगा, ठीक है। उस वर्कबुक को आप उसकी ड्राइंग्स को बनाना, ठीक है, और ड्राइंग्स को बना के अपने ग्रुप में उसकी फोटो शेयर करना, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आप क्या बोलते हैं, आके डेली दिखाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका दिखेगा कि अच्छा आप ये ड्राइंग बना पा रहे हो, आप ऐसे से कर पा रहे हो, ठीक है। अब उसमें से स्टार्टिंग के जो ड्राइंग्स होंगी केवल लाइन कमांड से ड्रॉ होने वाली ड्राइंग्स है, ठीक है। तो वहां मत सोचो क्या रहे तो लाइन से ड्रॉ करना है 2 मिनट का, नहीं, उसको भी उतने ही सीरियस से उतने ही मन से करो, सो देट की आगे की ड्रॉइंग आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसको ही कोशिश रखना है, और सेम लिंक से डेली ऑनलाइन आना है, ठीक है। डेली ऑनलाइन सेम लिंक से आना है, कोई भी लिंक चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है कि क्लासेस डेली अटेंड करना, ठीक है। हम इससे कई लोग होंगे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग के 1-2 दिन 3 दिन आएंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है ना रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग इज जस्ट अबाउट फॉर डाउट क्लास। कभी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपकी जॉब है, आपका एग्जाम है उसी टाइम पर, तब आप नहीं अटेंड करते हो तो समझ में आता है, बट नॉर्मल डेज में आपको डेली अटेंड करना है लेक्चर, और ग्रुप में आपको भेजते रहना है, ठीक है। और दूसरी चीज एक और, सबको बुरा लगेगा बट सबको गुड मॉर्निंग ऑल, और ग्रुप में ज्यादा चैट मत करना, ठीक है। ग्रुप में ज्यादा चैट मत करना, उसका रीजन क्या है, चैट इन द सेंस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला चैट ज्यादा मत करना। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कोई स्टडी मटेरियल भेजा, अब चैट इतने रहेंगे कि स्टडी मटेरियल चला जाएगा पीछे, ठीक है। और जब स्टडी मटेरियल पीछे चला जाएगा तो कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा उस स्टडी मटेरियल को, तो जो मेन काम की चीज हो तो गया पीछे, ठीक है, केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मिला है। तो बेटर कि हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्लास में कर लेंगे। यहाँ पे चैट बॉक्स होता है, आप देखोगे बगल में एक चैट बॉक्स होता है, यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ चैट बॉक्स में डाल दो डाउट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर चैट बॉक्स में डालने लायक डाउट नहीं है, मतलब अभी को तक बड़ा डाउट है, तो फिर आप क्या कर दो, सर आई हैव अ क्वेश्चन, ऐसा करके डाल दोगे तो मैं बोल दूंगा अच्छा ठीक है, जैसे टॉपिक खत्म होता है मैं बोल दूंगा अच्छा ठीक बोलो। और उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है हम आपको डाउट लेक्चर भी देते हैं कि आप पूछो जो पूछना है आपको, तो व्हाट एवर यू वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो कब, क्लास के जस्ट बाद, ठीक है। तो क्लास के बीच में उस टॉपिक में डालेंगे नहीं तो क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। बट ऑटोकैड से रिलेटेड कुछ भी है पूछते जाओ, यहाँ पर चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में ऐसा जब मैं कोई क्वेश्चन खुद पूछूं तो आप डालना मैसेज टू ऑर्गेनाइजर, ठीक है, तब उस मैसेज को केवल और केवल मैं देख पाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको पूछना है, सबको देखना है क्वेश्चन कौन सा है, तो आप कॉमन मैसेज में डाल दो, कॉमन मैसेज यहाँ पर है चैट बॉक्स में, वो सबके पास चला जाएगा। दूसरी चीज, ये जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो ये मोबाइल से भी हो जाएगा और लैपटॉप से भी हो जाएगा, मोबाइल से भी लैपटॉप से, दोनों से अटेंड हो जाएगा, ठीक है। और कहीं से भी कहीं पर भी रहो आराम से ईयरफोन लगा लो और ईयरफोन लगा के आराम से सुन लो, ठीक है, जैसे कि वो देखते हो ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, उसी तरीके से कहीं भी हो, ठीक है। आगे ये लेक्चर unixcivil.com वेबसाइट पर आपके पोर्टल पर अपलोड होगा, ठीक है, आपका एक पोर्टल बनेगा unixcivil.com, वहां पर जाके आपको ये पूरा लेक्चर मिलेगा, लेकिन आज नहीं वहां पर मिलेगा क्योंकि उसके लिए अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है। आज तो मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, 1-2 दिन में वहां पर पोर्टल में मिलेगा, तो सारे लेक्चर्स आप वहां से देख सकते हो जब भी कभी कुछ डाउट आया तो। बट ये बोलूंगा कि क्लासेस डेली अटेंड करना, क्योंकि क्लासेस अटेंड करने का एक अलग मजा होता है, ठीक है, डेफिनेटली, नहीं तो फिर वीडियो कोर्स ना ले लेते कोई भी, ठीक है। लाइव क्लास का मजा क्या है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बीच बीच में, प्लस आप ये देख सकते हो अच्छा ठीक है मुझे कितना आता है, जो सर पढ़ा रही है मुझे आता है कि नहीं आता है, सेंटर लाइन निकालना मुझे आता है कि नहीं आता है, हिडन लाइन ड्रॉ करना मुझे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं कोर्स की समरी बता देता हूँ कि अपन क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी सीखेंगे सब कुछ इंडस्ट्रियल बेस सीखेंगे। इंडस्ट्रियल बेस मतलब हम साड़ी का किनारा नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम वो चीजें पे फोकस करेंगे, ठीक है, जिन चीजों से हमें लर्निंग ज्यादा मिलती होगी, ठीक है। यहाँ पर अब सिक्योरिटी का माइक ऑन हो गया, ठीक है, सॉरी माइक बोल रहा हूँ, वो क्या बोलते कैमरा, मैं बंद कर देता हूँ,
यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन आता है यार, एक कैमरा बंद कर दे रहा तुम अपना, तुम वेबकैम हिस होता है कहीं से। हाँ बंद कर दिया स्क्रीन, ठीक है। माइक बंद रखेंगे और कैमरा बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज पीछे वाले को नहीं जाएगी। चलिए नाउ वी जस्ट कैन अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस कोर्स, क्या क्या कोर्स में सीखने वाले हैं। कोर्स इज एवरीथिंग अबाउट इंडस्ट्री वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्री में ड्रॉइंग कैसे देते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट की ड्राइंग कैसी आती है, उसमें स्ट्रक्चर का काम कैसे करते हैं, अगर आप खुद आर्किटेक्ट का काम कर रहे हो तो कैसे करोगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ऑटोकैड का छोटा से छोटा जो कमांड है उसका क्या यूज है, हम वो भी पढ़ेंगे। ऑटोकैड का छोटा से छोटा कमांड है उसका क्या यूज है, ठीक है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। इसकी शॉर्टकट कीज क्या क्या होती है, जनरल सेटिंग्स क्या क्या होती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। ऑटोकैड 3D भी पढ़ेंगे, रेंडर भी पढ़ेंगे, ऑटोकैड में लाइट कैसे लगाते हैं, कैमरा कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके साउंड इज लो, ठीक है, मैं बढ़ा देता हूँ साउंड जी। ओके ठीक है, तो हम लोग लाइट कैमरा भी पढ़ेंगे, 3D भी पढ़ेंगे, हिडन लाइन और सेंट्रल लाइन, और उसके साथ ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के थोड़े से इंट्रोडक्शन लेंगे कि A4, A3, A2 पेपर साइजेस क्या होते हैं, कौन सा हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कैसे उनको याद करें, लाइन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, रेरा के रूल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग बाय लॉज क्या होते हैं, बिल्डिंग बाय लॉज क्यों फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। अप्रोक्स हमारा जो लेक्चर जाएगा वो 25 से 30 लेक्चर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरी स्पीड फास्ट है, आप खुद ही देख रहे होंगे, मैं ज्यादा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भी देता हूँ, सो देट कि अगर कुछ स्किप हो गया तो आप उधर से जाके कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ओके सो गाइस, ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल में इसको कब जनरेट किया गया वहां से थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी जाननी जरूरी है। तो 1982 में एक्चुअल में इसको जनरेट कर लिया गया था, 1982 में इसको एक्चुअल में जनरेट कर लिया गया था। ऑटोडेस्क के जो फाउंडर थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या बोलते हैं इसको जनरेट कर लिया था, उनकी 20 लोगों की टीम थी, जॉन वॉलकर उनका नाम था। तो ये कैलिफोर्निया में ये जनरेट किया गया था, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में इसको बनाया गया था। उसके बाद फिर 1982 में इतने बग्स थे इसके अंदर, इतनी गलतियां थी कि हर साल 3 बार अपडेट हो रहा था सॉफ्टवेयर, हर साल 3 बार अपडेट। 19 तक, मतलब कि बहुत ज्यादा इसको चेंज करना पड़ा, बहुत बार बार इसकी ड्राइंग चेंज हो। उसके बाद जब 2000 से, सन 2000 से ये ऐसा होने लगा कि साल में एक बार अपडेट होता है, ठीक है, वंस ईयर अपडेट होता है, ठीक है। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग क्या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप लेटेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है, क्या बोलते हैं, वो हमारे सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बहुत हैंग करेंगे आपके लैपटॉप में। कई लोगों के लैपटॉप ऐसे होंगे जिनके लैपटॉप थोड़े से वो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, वो भी एक्सेस कर सके, इसके लिए हम लोगों ने 2016 जो कि सबसे बेस्ट वर्जन है इसका, तो उसको यूज कर रहे हैं। बेस्ट क्यों है, क्योंकि हैंग नहीं करता आपके लैपटॉप में। आपको नया वाला करना है कर लो। हाँ जी, किसी ने माइक ऑन किया है, बोल सकते हो क्या है। ओके ठीक है, साधन से गलती से हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि सर कैन यू प्रोवाइड PDF अबाउट क्लास, और वी हैव टेक नोट्स क्लासेस। ओके, आप नोट्स भी ले सकते हो, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप नोट्स अपना खुद का बना, देखो जब तक आप खुद का नहीं बनाओगे ना, ठीक है, कोई भी आर्टिस्ट जब खुद को खुद से नहीं संवारेगा ना, तब तो कोई नहीं संवार सकता। तो मेरा PDF मैं दे दूंगा, बट आप अपने PDF को खुद से बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको मजा आएगा। चलो, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग 2000 से जनरली यूज कर रहे हैं, हर साल साल में एक बार अपडेट हो रहा है, ठीक है। अभी जो इसका वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है वर्जन का अपना 2021 चल रहा है, ठीक है। अभी 2022 इनका आने वाला है, 2022 इनका आने वाला है। आप बोलोगे कब आएगा, मार्च और अप्रैल के बीच में ये लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए सारे कर सकते हो, बट अगर आप मेरे से पूछोगे सर कौन सा करूँ जो हैंग ना करे, वो 2016 है, ठीक है, 2016 है, ठीक है। कोई भी खास चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि मेन इनका काम क्या है, वो काम हर एक सॉफ्टवेयर में अप्रोक्स हो जाते हैं। हाँ, पहले थोड़े से एडवांस कम थे, 2016 से पर्याप्त एडवांस कर दिया है सॉफ्टवेयर को,
तो आपको जो मन करे वो वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राइंग सारी सेम रहेंगी, कमांड सारी लगभग सेम रहेंगी, थोड़ी थोड़ी एक दो चेंजेस हो जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है वो। चलिए, तो जब ऑटोकैड इस पे स्क्रीन को खोलते हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक जो एप्लीकेशन का यहाँ पर एक बार रहता है, इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से सर ऑटोकैड आ जाता है। यस, सॉफ्टवेयर मतलब कैसे लेंगे सर, तो लैपटॉप पे चल ही नहीं रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बताऊंगा कौन सा सॉफ्टवेयर है आपके पास। सर। मेरे पास तो लाइसेंस एक्सपायर हो गया 18 वाला था। हाँ, तो इंतजार करिए, अभी मैं आपको क्लास के बाद उसको भी डिस्कस करूंगा, क्लास के बाद मैं डिस्कस करता हूँ उसको भी। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लोग के पास, जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बोलते हैं, जो ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं इसको, रिबन पैलेट। दिस इज ये व्हाट, दिस इज रिबन पैलेट। रिबन पैलेट मतलब जिसके अंदर सारे कमांड्स हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी टूल है उनको कमांड्स बोलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, ये सब क्या है, ये सब आपके कमांड्स है, ठीक है। ये सब क्या है, कमांड्स है, ठीक है। यहाँ पर आप जो ऊपर देख रहे हो ए नाम का बॉक्स, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार। क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन मेनू बार। तो इसको जैसे ही देखोगे और यहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे टूल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सारे के सारे टूल्स आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर क्विक एक्सेस बार आएगा। क्या आएगा, क्विक एक्सेस बार आता है, और ये आपका नेविगेशन बार होता है, जहां से आप किसी भी एलिवेशन में जाके देख सकते हो, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं पे भी जाके आप देख सकते हो। ये आपका होता है ड्राइंग एरिया। क्या होता है ये, ड्राइंग एरिया जिसमें आप ड्राइंग बनाते हो, ठीक है। और ये आपका होता है गिज्मो, इसको बोलते हैं गिज्मो, ठीक है। ये गिज्मो से हम लोग हैंडल करते हैं कि कौन से एक्सिस में कितना जाना है। और ये जो है इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल, पहले वाले को व्यू कंट्रोल, दूसरे वाले को विजुअल स्टाइल बॉक्स, ठीक है। विजुअल स्टाइल बॉक्स, व्यू कंट्रोल, रिबन पैलेट, क्विक एक्सेस बार और एप्लीकेशन मेनू बार, नेविगेशन बार, ड्राइंग एरिया, ठीक है। ये होता है कमांड पैनल, और यहाँ पर होता है स्टेटस बार। क्या होता है स्टेटस बार, तो जो भी आप करोगे उसका एक स्टेटस यहाँ से निकलता चला आएगा कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से मजे से एंजॉय करेंगे इस कोर्स को, बहुत ज्यादा मजे करेंगे। जस्ट एनर्जी के साथ डेली 15 से 20 मिनट और दे देना बस, आप मेरे क्लास के बाद 15 से 20 मिनट और दे देना, जो दूसरी बार सीख रहे हैं, और जो पहली बार सीख रहे हैं वो आधा घंटा दे देना, रट जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलो, तो जो पहली कमांड यहाँ पर है वो क्या है, लाइन, ठीक है। तो लाइन कमांड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तुरंत ही ले लिया जाएगा, या फिर यहाँ पर हाउ टू फुल स्क्रीन ऑन ऐप, ऑन ऐप पता नहीं, ऐप का तो मुझे नहीं पता है। देखो डियर, उसमें अगर ऑप्शन होगा तो कर सकते हैं राना, मैं जनरली लैपटॉप ज्यादा यूज करता हूँ। देखो उसमें अगर कोई ऑप्शन होगा तो हो सकता है फुल स्क्रीन, आई डोंट नो यार, मैंने कभी यूज नहीं किया मोबाइल पे, एक मिनट रुको देख लेते हैं। आई थिंक मोबाइल पे नहीं होगा, ठीक है, मोबाइल पे शायद हाफ स्क्रीन ही रहता है। ओके, तो जो पहली कमांड है इसका नाम क्या है, लाइन कमांड, ठीक है। लाइन कमांड यहां से लेते हैं, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो तुरंत कमांड चल जाती है, ठीक है। कमांड तुरंत ही चल जाती है, लेकिन अगर आप चाहें कि यहाँ पर जाके मैं मेहनत न करना चाहता हूँ, मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए एल, ठीक है। अब एल तो सबको पता है, एल फॉर लाइन, ठीक है। तो जैसे लाइन को यहाँ पर इंटर करेंगे तो तुरंत तैयार हो जाएगा। अब देखिए वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट देंगे, और यहाँ पर भी लिख के आ जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो अंशुमान अपना कैमरा ऑफ कर देना, ब्रदर कैमरा ऑफ कर दो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जिधर जाना चाहेंगे, आप जिधर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं किधर जा रहे हैं, आप इधर की तरफ जा रहे हैं। बट आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी जो लाइन है वो सीधी नहीं है, आपकी जो लाइन है वो सीधी नहीं है। तो क्यों, कैसे पता चल रहा है कि सीधी नहीं है लाइन, आप देखो यहाँ पर डिग्री बन रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 2 डिग्री, 1 डिग्री ऐसे बन रहा है, इसका मतलब लाइन सीधी नहीं है। करेक्ट, लाइन तो हमसे ड्रॉ हो गई, लाइन हमसे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। अब सीधी लाइन कहाँ कहाँ गड़बड़ी करती है, मतलब कहाँ कहाँ ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो सीधी लाइन है, एक मिनट, जो सीधी लाइन है
वो सीधी लाइन कब तक ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक स्केल ना हो, ठीक है? आप अपने क्लासेस में छोटे जब थे आप तो स्केल यूज करते थे उसको सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए, करेक्ट? तो यहाँ पर भी स्केल कमांड यूज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ऐसे जस्ट आऊं और फटाफट सीधी लाइन आ जाए जो कि अभी टेढ़ी है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्केल कमांड ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका नाम होता है ऑर्थो। क्या होता है ऑर्थो? जिसको आप F8 कमांड शॉर्टकट की से भी ऑन कर सकते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्थो, तो आपको बताना है कि ऑर्थो इज यूज फॉर मेक द 90 डिग्री और फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और इसकी शॉर्टकट की पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है F8, ठीक है? अब देखिए आप लाइन कमांड लीजिए और आप जाएंगे, अब आपकी कभी भी टेढ़ी लाइन नहीं जाएगी। देखिए फिट जा रही लाइन, 0 एंगल पे जा रही लाइट, यस 3 एंगल। कई लोग ऑटोकैड चलाते होंगे तो उनको जब ऊपर की तरफ जाते होंगे तो ऐसे कभी स्क्रीन इधर भाग गया कभी इधर भाग गया, अब उनको जाना ऊपर है, ठीक है? लेकिन वो ऐसे गया सोचे कि ऊपर जाएगा, अब ऐसे जाओगे तो कहाँ एंगल जा रहा है, एंगल स्ट्रेट जा रहा है तो इधर जाएगा, आपको ऊपर जाना है। तो कई लोग ऐसे जाएंगे और उनको लगे ये ऊपर तो कर्सर कर दिया चला जाएगा, कहाँ से चला जाएगा? देखो यहाँ पर 0 डिग्री है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो जब तक ये 0 डिग्री ऐसे ही रहेगा, ये देखो चाहे इतना ऊपर चलेगा कुछ नहीं होगा। आप जैसे इधर आओगे और 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब है नाउ यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन। अब इधर की तरफ गए और हमने कर दिया 300 इंटर, ठीक है? ओके। और फिर इधर की तरफ गए और इधर की तरफ फिर से गए 300 इंटर, और फिर हमने इसको मिला दिया इस तरीके से, एक बहुत ही अच्छा सा स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने इसके थ्रू, बहुत ही आराम से बनाया और स्ट्रेट बनाया। ठीक है, एक्चुअली अभी आज फर्स्ट क्लास है ना, तो कई लोग पहली बार ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप लोग को थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है। एक्चुअल में ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास से ज्यादा बेटर रहता है, बट फिर भी उनको नहीं हैबिट रहती, इसकी वजह से प्रॉब्लम जाता है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। चलो तो इस तरीके से हमने क्या किया, लाइन कमांड से हमने क्या बोलते हैं कि स्क्वायर बना लिया। बट होता क्या है, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि लाइन कमांड से स्क्वायर बनाओ, ये सब बना लेंगे। आपसे बोल दिया जाता है व्हाट इज लाइन, क्या बोल दिया जाता है व्हाट इज लाइन, तो आपको डेफिनेशन क्या दोगे आप? व्हाट इज लाइन का डेफिनेशन आपको देना है सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। क्या? सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। जैसे ही आप ये डिफिनेशन देते हो इंटरव्यूअर को लगता है यार इसको तो बड़ा अच्छा नॉलेज है इंजीनियरिंग ड्राइंग को, तो आपको बताना है सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। क्यों सिंगल सेगमेंट है, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से लाइन कमांड से हम एक स्क्वायर बना सकते हैं। फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, लाइन कमांड लिया, क्लिक किया और इस तरफ गए, कितना जाना है? तो हमने कहा इस बार चले जाओ 150, चले गए, ठीक है? रिमेम्बर ऊपर ऐसे नहीं जाना है, ऊपर ऊपर कैसे जाना है, इसके पास से ही ऊपर जाना है, जब यहाँ 90 का डिग्री ऑन हो जाए तब ही आपको क्लिक करना है। कई लोगों के लैपटॉप में सेटिंग गड़बड़ रहेगी तो वहां पर ये उनका ये नहीं ऑन रहेगा इन डायनेमिक इनपुट, फिर उनको पता नहीं चलेगा कितने की डिग्री पे जा रहे हो। तो ये डायनेमिक इनपुट ऑर्थो से जस्ट पहले है तो उसको ऑन कर लेंगे, और फिर जैसे ऊपर जाएंगे, अब देखिए सब कुछ बता रहा है, हाँ जी बता रहा है, इसमें हमने कर दिया 150, क्या कर दिया 150। और फिर इसके बाद सपोज इधर की तरफ चले गए, इधर की तरफ कितना चाहिए, हमने कहा 150 अगेंस्ट, और फिर इसके बाद मिला दिया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है? सेम डिफिनेशन, सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। क्यों सिंगल? क्योंकि देखो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। चलो वैलेंटाइन डे के बाद सब सिंगल ही हो जाते हैं, ठीक है? अब आज 15 तारीख हो गई। नेक्स्ट जो है वो पॉली लाइन है। क्या है? पॉली लाइन। यहाँ पे देखो पॉली लाइन है, पॉली लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे, ये पूछेगा कि किधर जाना है, तो आपको पहला काम यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा इधर की तरफ, कितना जाना है? तो आपने कहा सर जाना है 120, ठीक है चले जाओ 120, और उसके बाद आप बोलोगे इधर 120, फिर बोलोगे इधर 120, फिर बोलोगे इधर 120,
आप बोलोगे सर या तो ऑटोडेस्क वाले ढक्कन है या फिर मैं हूं। क्यों? क्योंकि इधर भी स्क्वायर बन रहा है और इधर भी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो लाइन कमांड से भी स्क्वायर बन सकता है और पॉलीलाइन कमांड से भी स्क्वायर बन सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? क्यों पॉलीलाइन कमांड दिया यहाँ पर, लाइन हम क्यों यूज कर रहे हैं? या तो हम पॉलीलाइन से सारा काम कर ले या फिर लाइन से सारा काम कर ले, पॉलीलाइन का क्या काम है? करेक्ट। तो आप जैसे पॉलीलाइन से बने हुए स्क्वायर को कहीं से भी क्लिक करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और लाइन कमांड से बनी हुई जो आपकी स्क्वायर, उसको कहीं पे भी क्लिक करोगे तो केवल एक सेलेक्ट होगा, केवल एक सेलेक्ट होगा। ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लाइन कमांड तो समझ में आता है, इसको आपने बता दिया सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। पॉली लाइन को क्या बोलेंगे? पॉली लाइन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉली लाइन। व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉली लाइन। याद रखना सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉली लाइन। ओके। वैसे तो पॉली लाइन फिर क्यों दिया है? क्योंकि लाइन कमांड से वो काम हो रहा है। तो पॉली लाइन के एक्चुअल में तो बहुत से यूजेस हैं, कुछ यूजेस अभी मैं दिखा सकता हूँ जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पर एक ऐसे थ्री ऐसे पॉइंट्स आएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि फ्रॉम हाउ मेनी मेथड्स वी कैन एडिट द पॉलीलाइन कमांड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है स्ट्रेच। क्या है स्ट्रेच? जैसे लोगे देखो बहुत ही स्ट्रेचेबल चीज है ये, आप इतना भी कर सकते हो, इतना भी, इतना भी, इतना भी, इतना भी। यहाँ पर सपोज चले गए और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है क्या है, एड वर्टेक्स। क्या है? एड वर्टेक्स। देखो इस तरीके से वर्टेक्स ऐड कर, और फिर से जाओ यहाँ पे तीसरा क्या है, कन्वर्ट टू आर्क। क्या है? कन्वर्ट टू आर्क। तो इसको हम आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, बट लाइन में ये सब फैसिलिटीज आपकी नहीं है, ठीक है। पॉली लाइन को आप यहां से एड स्ट्रेच अभी भी कर सकते हैं, आप यहां से एड वर्टेक्स भी कर सकते हैं अभी भी, और उसके बाद यहां से आप कन्वर्ट टू आर्क अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉली लाइन कहां से कहां चला गया, बट लाइन यही है। इसीलिए तो बोलते हैं फ्लेक्सिबल रहो, जो इंसान फ्लेक्सिबल रहता है देखो ऐसी तरक्की करता है, वो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज का रिजल्ट है। अब इसके अलावा भी बहुत काम कर सकता है पॉली लाइन, एरो बना सकता है बहुत अच्छे अच्छे जो रोड पे एरोज होते हैं वो सब बना सकता है, आर्क बना सकता है। बट वो सब आगे देखेंगे कि पॉली लाइन से क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक छोटा सा सैंपल था ये। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे सर्किल में, ठीक है। तो सर्किल में आप देखोगे तो सर्किल के बहुत ढेर सारे भाई बहन है, ठीक है। कौन कौन से हैं? सेंटर रेडियस और टाइप्स ऑफ सर्किल इन ऑटोकैड, ऐसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन। तो आपको बताना है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर 2 पॉइंट 3 पॉइंट, टेन टेन रेडियस और टेन टेन टेन, या तो 3 TV बोलते हैं। तो अगर इनको पूछा, पहले बात इनकी यूज समझो, टाइप्स पूछ लिया तो आपको याद हो गया होगा, फिर से याद कर लो। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर 2 पॉइंट 3 पॉइंट, टेन टेन रेडियस, टेन टेन टेन। अब इसमें भी कई लोग बता लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना है, 6 टाइप्स तो है। बट कई लोग इसको ऐसे बताते हैं जैसे ये है, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग, तो उनका बताना थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार उसको पूरा स्टेप याद हो गया है, तो सामने वाले को वही चाहिए होता है कि जिस बंदे ने, अगर आपने अभी अपना आंख बंद किया, ठीक है, करना मत, नहीं मोबाइल नहीं दिखेगा, अगर आपने अभी अपना आंख बंद किया और आंख बंद करने के बाद आपको पूरा स्क्रीन आपके सामने ऑटोकैड का है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का है, तो आपको एक्चुअल लर्निंग हुई है, ठीक है। एक्चुअल लर्निंग तभी होती है जब आप आंख बंद करो और आपको चीजें सामने दिखे, ठीक है। उसको कैसे? उसको प्रैक्टिस से करना पड़ता है। मैं जो भी कुछ लिखता हूँ आप लोग को बता देता हूँ कि देखो आज मैंने ये पढ़ा है, तो उससे क्या होता है, मेरा रिविजन हो जाता है, चीजें मेरे सामने आ जाती है। चलिए मेरे सामने तो है, आप भी अपने सामने ला दो इसको। सेंटर रेडियस लेते हैं यहां से। सेंटर रेडियस लेने के बाद कहीं पर भी रेडियस लो, कहीं पर भी रेडियस लो, और रेडियस लेने के बाद जिस डायरेक्शन में जाना चाहो चले जाओ, ठीक है। आपने कहा इधर जाना है, चले जाओ यार आराम से। हमने कहा रेडियस डालना है, तुमने कहा ठीक है 100 रेडियस डाल दो। बाद में सपोज आपने मैन होल बनाया, क्या आपने बनाया? मैन होल, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया कि यार ये मैन होल का जो साइज है ना भाई बहुत बड़ा दे दिए हो, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें क्या बोलते हैं, इसको कवर करने में प्रॉब्लम जाएगी, कुछ भी गाड़ी वगैरह अगर हैवी आ गई तो उसका टायर वगैरह नीचे जा सकता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कम कर देते हैं।
अब पहले के टाइम में क्या होता था, रबड़ लेके आपने क्या होगा सेकेंड फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग जब भी रही होगी, फर्स्ट ईयर में रही होगी, तो उसमें क्या किया होगा, इस रबड़ लेके नॉन डक्स का रबड़ यूज किया है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, किया होगा उसको लेके और फिर रगड़ रहे होंगे एकदम मेहनत करके। वो चीज यहाँ पे नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे बस सेलेक्ट करो इसको, और सेलेक्ट करने के बाद ये जो ब्लू पॉइंट है यहाँ पे या यहाँ पर कोई भी ब्लू पॉइंट ले लो, इसको बता दो कि यार गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया कि केवल 75 लेना है, ठीक है, सेंटीमीटर मिले कुछ भी यूनिट हो, अभी तो यूनिट का कोई काम नहीं है, 75 लेना है, ऐसे कर दिया, कम हो गया। फिर आपको आदेश आया नहीं 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 लोग इसके अंदर जाके सफाई नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा बढ़ा दो, तो फिर वो भी काम कर सकते हो, 80 कर दो। लो जी, तो इस तरीके से सर्किल को एडिट कर सकते हो, यहाँ पर ये एडवांटेज है। अब बोलोगे सर ये वाला तो समझ में आता है, बट ये क्यों दिया है, सेंटर डायमीटर क्यों दिया है ऑटोकैड ने, आपको दे दिया 67.6678 डाया, आपको दे दिया सपोज 67.6678। अब अगर उसको आप रेडियस में कन्वर्ट करते बैठोगे तो कितना टाइम जाएगा आपका, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ने कहा कि डायमीटर नाम की कमांड दे दे रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर लिख दो जो है तुम्हारा 67.78 और इसको इंटर कर दिया, ये देखो बन गया। अब इसका रेडियस बना होगा तो डेफिनेटली उसने क्या किया होगा, हाफ में कन्वर्ट कर लिया होगा, ये देखो हाफ में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से 33.89। अगर आपको हाफ में कन्वर्ट करना पड़ता तो आप कैलकुलेटर ओपन करते फिर हाफ करते, आपका टाइम इस पॉइंट होता है ना उसमें, तो सॉफ्टवेयर ने कहा हमारे पास डायमीटर की फैसिलिटी रख देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। आपने कहा चलो ये दोनों तो समझ आ गया कि सर यूज में आता है, ये तीसरा वाला जो 3 पॉइंट है इसका क्या यूज है, ये तीसरा वाला जो सॉरी 2 पॉइंट है इसका क्या यूज है, तो 2 पॉइंट का यूज है यहां से यहां तक। हाँ बोलोगे सर ऐसे ही जब सर्किल बनाना था तो फिर हमने इसको क्यों यूज किया, हम इसको यूज करके बना ले, ठीक है, आप सही बोलते हो, लेकिन अगर सपोज हमने आपको बोला एक पॉइंट ये है और तो मैंने ऑफ किया यहां से, हमने कहा एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है, चलो अब बनाओ इनके इन, ऐसा हमको सर्कल चाहिए जो कि इन दोनों को टच करता हुआ जाए, अब लगा दो अपनी बुद्धि, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ऐसे करके बहुत जुगाड़ लगाओगे फिर भी जब इधर से जाओगे इसको मिलाओगे क्या हुआ, एक्स्ट्रा आ गया ना, बोलोगे यस सर, तो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ने कहा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको हम 2 पॉइंट देकर रखते हैं, इस 2 पॉइंट को लीजिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ और सेकेंड पॉइंट यहाँ, बस आराम से बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ सेकेंड पॉइंट यहाँ आराम से बन जाएगा, तो बड़ा इजी है, यस। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट यूज करना है, फिर आप बोलोगे 3 पॉइंट, बस बस आप उसी पैटर्न पे हो, सपोज यहाँ पर आपका तीसरा दोस्त आ गया, अब आप चाहते हो कि इन तीनों को टच करता हुआ बने, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से 3 पॉइंट लो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों को टच करता हुआ आपके पास क्या बन गया, सर्किल एक बन गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर 3 पॉइंट कमांड दिया गया है। इसके नीचे कमांड है जिसका नाम है टेन टेन रेडियस, क्या है, टेन टेन रेडियस। अब बोलोगे सर इसका क्या यूज है, ठीक है, वैसे तो आप देख रहे हो चांद, ठीक है, तो चांद देखा होगा चंदा, ठीक है, तो सपोज आपके पास एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है, आप एक घर है आपके पास और एक घर और है आपके पास, आपने कहा मुझे एक रोड बनानी है जो इसको भी टच करता हुआ जाए और इसको भी टच करता हुआ जाए, इसको भी टच करता हुआ रोड जाए और इधर से भी टच करता हुआ जाए, ठीक है, तो कैसे बनेगा, सेंटर रेडियस से नहीं बन सकता, तो उसके लिए आपको सबसे बेटर कमांड होती है टेन टेन रेडियस, क्या, टेन टेन रेडियस लो, उसको लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी क्लिक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, देखो गोला बना हुआ ना, कहीं मतलब इसके अंदर, हाँ कहीं मतलब यहां मत क्लिक कर दो, कहीं मतलब इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट के बीच में, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट के बीच में, सब कुछ हमने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अब वो बोल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि रेडियस बता दो भाई, ठीक है, तो हमने रेडियस उसको दे दिया 150 मीटर, बन गया, ठीक है, आपके पास एक चांद का गोला और बन गया, ठीक है, आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर ट्रिम नाम की कमांड होती है, ठीक है, जो आप रबड़ यूज करते थे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में,
वही रबड़ यहाँ पर ट्रिम नाम से है, तो ट्रिम लीजिए। और ट्रिम लेने के बाद जस्ट राइट क्लिक कर दीजिए कि आपके पास माउस होगा, माउस में राइट क्लिक, जाइए आराम से, ये देखिए जैसे नहीं आपका बाल कट करते हैं ना, वैसे यहाँ पर आप बाल कट कर दीजिए इसका। फिर इसको कैंसिल करना है, इस कमांड को भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो कमांड को कैंसिल करने के लिए तो है राइट क्लिक इंटर, या फिर आप स्केप कमांड जो आपके कीबोर्ड में सबसे किनारे होगी, स्केप कमांड, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैंसिल कर दिया। आपने बोला क्या बात है सर, हमको तो 10 10 रेडियस भी समझ आ गया। ठीक है, तो सर ये 10 10 10 क्यों दिया है? बड़ी अच्छी बात है, 10 10 10 दिया है क्यों? 10 10 10 10 मतलब क्या होता है वैसे समझो, 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, 10 को हिंदी में बोलते हैं, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, जो कि टच कर, स्पर्श मतलब क्या होता है? टच करना, टच करता हुआ जाए। ठीक है, तो अब अगर सपोज आपके पास एक यहाँ से लाइन कमांड लिया आपने, और आप इधर क्यों चले गए, कितना चले गए, 200 चले गए, और फिर ऊपर चले गए 200। ठीक है, और प्लीज स्ट्रीम कमांड वाज मोर, ओके ओके डोंट वरी, रिपीट कर देता हूँ, 200, और फिर उसके बाद यहाँ से चले गए, इसको मिला दिया, फिर से हमने लाइन कमांड लिया फर्स्ट पॉइंट। इसको देखो आप जैसे यहाँ से लाइन कमांड से जाओगे, यहाँ पर आपको एक मिड पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? मिड पॉइंट। जैसे इस मिड पॉइंट पर क्लिक करोगे तुरंत बोलेगा नीचे जाना है क्या? मिला, हाँ यहाँ चले गए इंटर। अब मुझे एक्चुअल बस केवल ये पिरामिड चाहिए था, ये तो इसलिए बनाया जिससे इसके हेल्प से बन जाए। इसको सेलेक्ट करो ऐसे, देखो सिलेक्शन दो तरीके से ऑटोकैड के अंदर होगा, एक ऐसे वाला जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा जो आपको चाहते हो, तो हमेशा आपको ऐसे करना, अपोजिट सिलेक्शन करना, ऐसे ऐसे जनरली यही यूज करना है। चलिए ये पिरामिड आ गया जो हमको चाहिए था। ठीक है, और उसके लिए हमने यहां पर गए और यहां से हमने ले लिया 10 10 10। क्या ले लिया? 10 10 10। अगर आप 10 10 सॉरी सेंटर रेडियस लेके चाहोगे, कभी भी तीनों को टच करता हो आप नहीं बना पाओगे, कितना भी आप सेंटर निकाल लो इसका। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम ही रह जाएगा, नहीं हो सकता ये। तो अगर ये नहीं बन पा रहा है तो बनाना तो पड़ेगा। तो बनाने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है आपके पास, जिसका नाम है 10 10 10। जैसे लेंगे यहां से फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कहीं पर भी क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इतना शानदार सर्किल आप किसी भी दूसरे टाइप के सर्किल से नहीं बना सकते हो पिरामिड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किससे बना सकते हो? 10 10 10। आप सोच रहे होंगे सर आपको क्या पता है कि एग्जैक्टली कहाँ क्लिक करना है? ठीक है, मतलब यहां से गए आपको पता है यहाँ क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैं कहीं भी क्लिक कर दिया, बन गया। ठीक है, सिर्फ वो स्पर्श रेखा बता दो कि किसको टच करता हुआ जाए। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग को ट्रिम कमांड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, ट्रिम कमांड का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिम कहता है कि अगर आपका कोई एक लाइन जा रही है, ठीक है, फिर एक लाइन और जा रही है, फिर एक लाइन और जा रही है, और इसको कोई कट कर रहा है, इस लाइन को कोई कट कर रहा है ऐसे, और फिर ऐसे जाके इसको भी कोई कट कर रहा है, फिर ऐसे जाके इसको भी कोई कट कर रहा है, ऐसे जाके इसको भी कोई कट कर रहा है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। ठीक है, जितनी भी कटिंग लाइंस हैं, ठीक है, सिंगल लाइन को ट्रिम नहीं कर सकते हो, सिंगल लाइन को डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, अगर कटिंग लाइन है तो उसको आप ट्रिम कर सकते हो। कैसे? ये देखो ट्रिम कमांड है यहाँ पर, यस ट्रिम कमांड लिया, इसके बाद राइट क्लिक करना है। ठीक है, या फिर डबल इंटर कर सकते हो। ठीक है, ट्रिम कमांड लेके या तो राइट क्लिक कर दो या फिर डबल इंटर कर दो, मैंने राइट क्लिक कर दिया माउस से। ठीक है, ये डबल है ना, क्यों डबल है? ये कट रही है यहाँ से, इसको इस लाइन ने काटा है, हाँ काटा है, ये लो इस लाइन को इसने काटा है, हाँ जी काटा है, इस लाइन को किसी ने काटा है क्या? नहीं, ये तो अकेले जा रही है ना, ये लाइन ये भी अकेले जा रही है, ये लाइन हाँ इसने काटा है इस लाइन को, यस ये लाइन ये अकेले जा रही है, क्यों? क्योंकि ये सिंगल है, ये लाइन इसको इस वाली लाइन काट रही है, हाँ इसको कट कर दो, ये लाइन सिंगल है, ये लाइन यहाँ पे इसको ये कट कर रहा है ना, ये वाली लाइन, यस तो कट कर सकते हैं, ये लाइन कट कर रहा है कौन? ये कट कर रहा है तो कट कर दो, ये लाइन कोई नहीं कट कर रहा है, ये कट हो रही है, ये नहीं कट हो रही, ये हो रही है, कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, तो इसको कट कर सकते हो, ये हाँ जी ये भी कर सकते हो क्योंकि ये कट कर रहा है, ये नहीं कट कर सकते, ये नहीं ये कर सकते हो क्योंकि ये कट कर रहा है। ठीक
है, जब भी कोई लाइन किसी लाइन को कट करे, ठीक है, अभी देखो कोई भी ऐसी नहीं बची जिसको बस ये बचा है, ठीक है, कोई भी लाइन किसी भी लाइन को अगर कट करे तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कट नहीं कर रही है, जैसे कि इसको कोई नहीं कट कर रहा है, कोई दवाई नहीं है, इनको सेलेक्ट करो ऐसे, और यहाँ पर एक इरेज नाम का कमांड होता है। क्या होता है? इरेज नाम का कमांड होता है, इसको लीजिए और इरेज कर दीजिए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो क्या बोलते हैं, आपके गन मशीन से ना कटे हो, सीधे बम मार दो यहाँ से, कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर बम मारना है तो सेलेक्ट करो, ये देखो हमारा बम फट चला, ठीक है। तो आपने इन तीनों कमांड्स को समझा और अच्छी तरीके से लाइन पॉलीलाइन सर्किल को समझा। अब सर्किल के जो टाइप्स हैं उनको याद कर डालो, ठीक है। सर्किल के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, तो सर्किल का टाइप्स है सेंटर रेडियस, ठीक है, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, उसके बाद 10 10 रेडियस, उसके बाद 10 10 10। तो इनके जो टाइप्स हैं आप इनको अच्छे से याद कर डालो। पॉलीलाइन का डिफिनेशन क्या है, पहले शॉर्टकट की समझो। पॉलीलाइन की, पॉलीलाइन की शॉर्टकट की है पी एल इंटर। क्या है? पी एल इंटर। आप कीबोर्ड पर डायरेक्ट लिख सकते हो पी एल, देखो आ गया, यस इंटर। तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से भी काम कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब उसके बाद लाइन कमांड, लाइन कमांड की शॉर्टकट क्या है, एल इंटर, या फिर लाइन कमांड ले लो, ठीक है। चलिए, ये थ्री बेसिक्स कमांड है, बट इनके बैकग्राउंड में क्या क्या आपके लैपटॉप में सही होना चाहिए, ठीक है। आप में से कई लोग का लैपटॉप में आज इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर, कई लोगों ने किया होगा बट यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप जब लाइन कमांड चलाते होंगे यहाँ से, तो उसका कभी ना मिड पॉइंट मिलता होगा ऐसे, यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट मिल रहा है, हमारा इन पॉइंट मिल रहा है, ये सब नहीं मिलता होगा आपका, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको आएगी। हम जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें बता रहा है कितने एंगल पे, कितने डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सब हमें बता रहा है। आपके में नहीं बता रहा होगा जो डेली यूज नहीं कर रहे हैं। तो भाई अब आपको जो जंग लग गया है उस सॉफ्टवेयर में, उसको थोड़ा सा रिपेयर करना है। केरोसिन खरीदना थोड़ा सा 10 रुपए का, और केरोसिन खरीद के धुल देना उसको। कैसे? चलो बताते हैं। माचिस से मत ले जाना उसके पास, में गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑर्थो कमांड होता है। क्या होता है ऑर्थो कमांड, ये देख लेना, ये ऑन होना चाहिए आपके लैपटॉप में, ठीक है। ये आपके बगल में है डायनेमिक इनपुट, ये भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। और ये आप बोलोगे सर ये मेरे में है ही नहीं, आप कैसे बोल रहे ऑन करने के लिए, तो इसके बगल में जो 3 लाइन देख रहे हो कस्टमाइज करके, तो कस्टमाइजेशन में जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करना, जो भी आपके घर पे नहीं है सब कुछ यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो जैसे कि आप बोला इनपुट, इनपुट डायनेमिक इनपुट, आप मेरा तो ठीक है, मेरा यूज होता रहता है, बट मैंने फिर से क्लिक कर दिया, देखो ऑन हो गया है, ठीक है। आपने कहा मेरे में ऑर्थो भी नहीं है सर, बड़ी मुसीबत है, ये देखो ऑर्थो गायब हो गया, फिर से क्लिक कर दो ऑर्थो आ जाएगा। जो चाहिए सब कुछ यहाँ पर इस 3 पॉइंट से आप जाके क्लिक करोगे, मिल जाएगा, ओके जी। अब जैसा कि मैंने बोला कि कई लोगों के लैपटॉप में 3 पॉइंट, सॉरी मिड पॉइंट, इन पॉइंट, टेंजेंट, ये सब नहीं दिखता है, और जिसके बिना आप ड्रॉइंग बनाते हो फिर मजा नहीं आता, आप सोचते हो छोड़ जाने दे यार, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ एम क्या है, आपका ऑटोकैड में इंटरेस्ट पैदा कर देना, ठीक है। बाकी ये कमांड लाइन पॉलीलाइन सर्किल कमांड पढ़ने के लिए तो यूट्यूब में खुद ही इतना वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट के लिए आपको सारे टूल्स सही होने चाहिए, आपका डायनेमिक इनपुट भी सही होना चाहिए, ऑर्थो भी सही होना चाहिए। यहाँ एक इनपुट स्नैप ऑप्शन है, इसके एरो पर क्लिक करना, एरो पर देखिए लिखा हुआ है स्नैप सेटिंग। क्या लिखा हुआ है? स्नैप सेटिंग। कहाँ पर? ये है ना मॉडल बॉक्स में, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक किया, स्नैप सेटिंग क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास रहेगा ऑब्जेक्ट स्नैप। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट स्नैप, ओके। ऑब्जेक्ट स्नैप जाने के बाद यहाँ से हम लोग के पास ये देखो पूरा टूल है, इसको सेलेक्ट ऑल कर देना। आपका शायद ये बंद रहेगा, हो सकता है आपका इन पॉइंट बंद हो, मिड पॉइंट बंद हो, एक्सटेंशन बंद हो, सेलेक्ट ऑल, और इसको जरूर ऑन कर लेना। बहुत से लोगों का ये बंद रहेगा तो इसको भी ऑन कर लेना। ये ऑन कर लिया, ये ऑन कर लिया, और ये पूरा ऑन कर लिया सेलेक्ट ऑल से, ये ओके। रिकॉर्डिंग में देख के भी ऑन कर सकते हो, तो आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे जाके स्नैप सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट स्नैप, सबको ऑन कर देना, पहला चीज। दूसरा चीज डायनेमिक इनपुट, तीसरा चीज आपका ऑर्थो, ठीक है। ये 3 4 चीजें आपको ऑन रखना है। इसके बाद कई लोगों को व्हाइट स्क्रीन में प्रॉब्लम होती होगी ड्राफ्टिंग करने में, वैसे सबसे अच्छी स्क्रीन होती है व्हाइट स्क्रीन, ठीक है, सॉरी ब्लैक स्क्रीन सबसे अच्छी होती है, बट कई लोगों को प्रॉब्लम जाती होगी कि यार ब्लैक स्क्रीन में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। आपकी अपनी अपनी सबकी अपनी पसंद हो सकती है, कुछ लोग रंगीन मिजाज के होते हैं, तो ऐसे लोग जस्ट ओपी इंटर करना,
ठीक है, ओपी इंटर कर दोगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा, ओपी इंटर ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन में भाई यहाँ पर आ जाना आप डिस्प्ले पे, कहाँ आ जाना, डिस्प्ले, ओपी इंटर किया ऑप्शन खुला, डिस्प्ले पे आ जाना। डिस्प्ले पे आके आपको यहाँ पर मिलेगा कलर्स, ठीक है, चैनल टीवी चैनल वाला नहीं, इसका कलर खुद का, कलर्स पे क्लिक करना, आपको जो कलर पसंद आए, ठीक है, आपको रेड रखना है, येलो रखना है, ग्रीन रखना है, सियान, ब्लू, मजेंटा, व्हाइट, आप लोग कहीं इंटरव्यू में गए होंगे, कई लोग ऐसे व्हाइट में रखते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं यार व्हाइट में कैसे स्क्रीन होती होगी उनकी, हमारी नहीं होती है, तो ये देखो आप व्हाइट में ऐसे कर सकते हो। आप लोग सर ये पीछे ग्रीड भी आ रही है तो बंद कर दो जी, ये लो प्लेन पेपर आ गया जैसे अपने कॉलेज में करते थे, ये प्लेन पेपर आ गया, ड्रॉ करो आराम से, ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन अच्छी लगे, बट ये आंख में बहुत लगती है इसकी वजह से हम लोग ब्लैक ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है, तो मैं तो तुरंत ही ब्लैक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आंख में लगने लगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से ब्लू रेड जो भी कलर आपको रखना है बैकग्राउंड का वो रख सकते हैं और रख के आप ड्रॉइंग कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोगों को क्या बोलते हैं समझ में तो अच्छे से आ गया होगा, कुछ लोग को तो लगा होगा ये तो बहुत इजी इजी चीजें हैं सर, हाँ जी ये बहुत इजी चीजें हैं, आपको एक काम करना है, जो बनाना है वो ये बनाना है कि आपको यहाँ पर वर्कबुक मिलेगी, ठीक है, दो वर्कबुक मिलेगी, एक सिविल कैट की मिलेगी और एक मिलेगी मैकेनिकल कैट की, ठीक है, तो हम ड्राइंग दोनों की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ड्राइंग कभी ये नहीं पूछता कि कहाँ की ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग का मतलब ड्राइंग है, तो सिविल कैट को पहले खोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ये इलाहाबाद का है, इलाहाबाद समझते हो, मेरा पहले मैंने खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज टाइम में डाला हुआ था, बाद में जब मैं जॉब में आ गया था सब छोड़ दिया था, लॉकडाउन से फिर से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मेरा खुद का वर्कबुक है, तो डिस्ट्रीब्यू सॉफ्टवेयर कैसे, हाँ जी हाँ जी वेट करो सुमन मैं बता रहा हूँ, इसके बाद सॉफ्टवेयर पे ही आ रहे हैं, अभी मैं आप देखो मैं कम पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो हम लोग अभी चल रहे हैं सॉफ्टवेयर पे इसके बाद कि कैसे इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर वही दिखाने आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जाना है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये 180 का है, कितने का ये 180, ठीक है, ये कितना है 20, ये कितना गया हुआ है माइनस कर लो, ये देखो 20 आया हुआ है, फिर ऊपर कितना गया हुआ है डेफिनेटली यहाँ पर 20 गया होगा, फिर इधर गया 20, फिर इधर 20, फिर मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है प्रैक्टिस करना है, इसका क्या है ये भी आपको बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है, ये कितना है 120 होगा, 120 है, ये कितना है 60, इसको मिला दो, ठीक है, 40 ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, फिर इसके मिड पॉइंट इसको, इसके मिड पॉइंट इसको मिला लो, और फिर यहाँ पर अभी भी पढ़ा हमने क्या पढ़ा 10-10 रेडियस, क्या पढ़ा 10-10 रेडियस, तो ये भैया यूज कर लो सामने, ठीक है, ये भी सेम है, ये है 10-10-10, ये है 10-10-10, और ये तो आप बना ही लोगे, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, सेंटर न मिले तो एक लाइन खींच देना, सेंटर मिल जाएगा, सेम आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है, तो आज का आपका असाइनमेंट बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ यहां से जाना है 120, फिर ऊपर जाना है एंगल में, तो अभी मैं दिखा देता हूँ एंगल में कैसे जाते हैं, तो इसको भी कर लेना, तो आज का यही दो ड्राइंग आपका है, तीसरे ड्राइंग मत करना, बस पेज नंबर 1 आज फिनिश कर देना इसका, ठीक है, कितना मिनट लगेगा, एक ड्राइंग को बनाने में 2-3 मिनट लगेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा लगेगा बट बाद में 2-3 मिनट, उसके बाद इस वर्कबुक में आना, इस वर्कबुक में भी आपको पहला ड्राइंग बनाना है ये वाला जो बहुत ईजी है, दूसरा बनाना है भले आता है फिर भी बनाना, ठीक है, ये बनाना, तीसरा बनाना है और चौथा बनाना है, ठीक है, बस ये 4 ड्राइंग ही बनानी है इसमें, 4 इसमें 3 उसमें, मतलब 7 ड्राइंग बनानी है, 7:35 आपके लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है, चलिए अब कई लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है, देखिए मेरे पास है कि नहीं, पहले आपके पास तो रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है कि नहीं पहले मैं देख लूं, मैं ज्यादा तो सॉफ्टवेयर रखता नहीं हूँ, ठीक है, उसका रीजन है कि मैं अपने लैपटॉप को ज्यादा लोड नहीं देता हूँ, ओके, ठीक है, सच में नहीं दिया मैंने लोड, अब सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है चलो वो बात करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है, आपके पास गूगल तो होगा ही, तो गूगल पे जाना और यहाँ पे जाके आप लिखना www.getintopc.com getintopc.com, और यहाँ पे जाने के बाद जस्ट क्लिक कर देना इसे,
ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर आप क्लिक कर देना ऑटो कैड 2016, लिख देना आप सर्च बॉक्स में ऑटो कैड 2016। इसको लिखने के बाद यहाँ पर जस्ट गो पे लिख देना, गो करो ना गो। इस गो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑटो कैड का पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे दूसरा तो नहीं करना है, एलटी तो नहीं करना। नहीं, एलटी छोटा होता है तो एलटी नहीं करना चाहिए, और तो आपको इसमें से कोई भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करना है, ऑटो कैड 2016 लिख के ये वाला करना है। ठीक है, आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप लेटेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप आपका लैपटॉप हैंग ना करे उसके लिए आप ये करना। इस पर क्लिक कर दिया। हाँ जी हाँ जी, वीडियो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। यहाँ पर आने के बाद वैसे तो इसने बेचारे ने सब कुछ बता रखा है आपको एक वीडियो के माध्यम से। ओके ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, एक वीडियो है पूरा का पूरा, कहिए तो ये भी दिखा देता हूँ आपको, चल रहा है। आप याद रखना आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, आपको कौन सा करना है, क्यों, ये 32 बिट का है, किसका है, 32 बिट का है, अगर ये कर लोगे नहीं चलेगा आपका। ठीक है, आपको ये करना है 64 बिट, जो कि ये है। ठीक है, अब बोलोगे सर इस ऐसा क्यों, क्योंकि जिसका 32 बिट है वो इसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है, लेकिन जिसका 64 बिट है वो केवल इसको इंस्टॉल करना है। क्या बोल रहे हैं, वेट फॉर रिसोर्स, वो वेट करने के लिए बोल रहा है, जैसे वेट करोगे थोड़ी देर में वो बोलने लगेगा। ठीक है, जैसे करने लगेगा देखिए यहाँ पर तुरंत ही इंस्टॉलेशन ले लिया, मतलब सॉरी सॉफ्टवेयर को ले लिया डाउनलोड होने के लिए। देखिए यहाँ पर ये आपके मैंने दिखाएगा, मैंने एड ब्लॉकर यूज किया हुआ है। एड ब्लॉकर मतलब होता है कि जो कभी वायरस वाली चीजें नहीं आए इसके लिए वो दे रहा है, उसको मत पढ़िए आप। आपको देखिए आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड होने लगा है, ये देखिए गेट इन टू पीसी, ये डॉट ओके डॉट ये खुलने लगा है। ठीक है, तो ये फटाफट ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पर एक वीडियो आ जाएगा आपको। इस वीडियो में क्या बोलते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे ठीक है, आपको यहाँ पर सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, इसे क्लिक किया इसको खुल जाए भाई। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो हम तो डाउनलोड कर लेंगे, हमारा नेट थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, ये आपको आपको जाएगा लगभग 4 GB का जाएगा, 4 GB का। ठीक है, तो ये देखो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो कितना है, 4 GB का अप्रॉक्स है। ठीक है, तो 4 GB आपको नेट अरेंज करना पड़ेगा। जिसका भी जियो वगैरह यूज करते होंगे उसका कुछ 51 रुपए का कुछ डाटा आता है, आपको पता होगा। ठीक है, 51 रुपए का जो डाटा आता है वो डाल देंगे तो 6 GB बढ़ जाता है आपका शायद। ठीक है, तो वो बूस्टर पैक होता है ना, तो उससे आपका क्या होगा, डाउनलोड इजिली हो जाएगा। चलिए, इन्होंने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटो कैट 16 17 18, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है उसमें कार्तिक, ओनली डायमेंशन में एक दो कमांड चेंज कर दिया है। ठीक है, डायमेंशन में एक दो कमांड चेंज कर दिया है, वर्क स्पेस का व्यू थोड़ा सा अलग टाइप का कर दिया है, मतलब अलग, मतलब जैसे ये यहाँ पर देखो पूरा पूरा ब्लैक है, वो थोड़ा ग्रे कर दिया है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है बस। आपके एनोटेट कमांड के अंदर दो तीन क्या बोलते हैं डायमेंशन के न्यू टूल ऐड कर दिए, एक सेंटर लाइन करके और ये सब बस। तो इनका कुछ खास रोल नहीं है एक्चुअल में, हमें जो यूज होता है वो यही यूज होता है, और कंपनियों में आपको 2016 ही सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कंपनियों में सबसे ज्यादा आपको 2016 मिलेगा, इसलिए मैं 16 आपको प्रीफर करूंगा। बट अभी इसके पहले मैं 2020 चला रहा था, तो आपका मन करे 16 नहीं करना है तो आप 2020 कर सकते हो, यहाँ पर डालना। अभी तक मेरे में 2020 चल रहा था, बट मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा था इसलिए मैंने 16 कर दिया। तो आप 20 भी कर सकते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 के लिए सेम मेथड है। यहाँ जाना, ये देखो आपको पहला ऑप्शन ही 20 का है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ठीक है, ऐसे खुल जाएगा, इसका केवल 64 बिट रहेगा। और ये आपका देखो स्क्रीन इसका थोड़ा सा अलग हो गया है, ये पैनल आपका देखो थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा अलग कर दिया पैनल वगैरह, यहाँ पर भी देखो ये 64 बिट ये है। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, जस्ट ऐसे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे तुरंत ही ये अपने आप ये यहाँ पर नीचे डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो वर्जन आप कर सकते हैं। चलिए,
तो ये शायद जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो एक मैं आपको इंस्टॉल करके सोच रहा हूँ दिखा दूँ तो बेटर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको बंद कर देता हूँ, ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये 1.5 GB का है। ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा। चलिए एक एक करके आंसर कर देता हूँ सबके। असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे? असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको मैंने एक लिंक भेजा है, देखिए आप अगर जुड़ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े होंगे तो लिंक मैंने भेजा है आपको, ठीक है उससे जुड़ जाइए, वहां पर आपको मिलेगा। सर गवर्नमेंट की सबमिशन ड्राइंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या? हाँ जी हाँ जी करेंगे, गवर्नमेंट के डिस्कस। बिल्डिंग बाय लॉ का मतलब क्या है? बिल्डिंग बाय, आप शायद लेट आए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम बताएंगे सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं, हम बताएंगे आपको कि क्या बोलते हैं बिल्डिंग बाय लॉ कैसे फॉलो करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया आते ही। सर आई हैव ज्वाइंट सेशन एट एट 8:10 ड्यू टू सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, प्लीज रिपीट इफ पॉसिबल। नहीं रिपीट नहीं कर सकते निरन, मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है आप पूरे रिकॉर्डिंग को एक तरफ से सुन जाना, क्योंकि एक्चुअल में वो मुझे खुद भी, किसी को भी इतना कंटेंट सेम टू सेम थोड़ी याद होता है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अभी लगभग 1 घंटे में रेंडर हो जाता है, जैसे ही रेंडर हो जाएगी फाइल आपको रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है आगे आगे तो unixcv.com पे मिलेगा, बट आज आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, ठीक है सो दैट कि आप देख सको उसको। चलो अब सपोज आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है सॉफ्टवेयर आ गया आपके पास, तो सॉफ्टवेयर आने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है एक्सट्रैक्ट करने के बाद अभी जैसे सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है इंस्टॉल होने के बाद एक्सट्रैक्ट होगा, तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके पास, मेरे पास सॉफ्टवेयर है नहीं आई थिंक, ठीक है अब कई लोग के प्रॉब्लम्स क्या हो रही होंगी कि उनके पास क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर का, मतलब किसी की एक इन्होंने बोला था कुछ कि ऑटोकैड 2018 है उनका बट क्रैक नहीं है, 2018 है बट क्रैक नहीं है उनके पास, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जाना, ठीक है जिसके पास क्रैक नहीं है, ठीक है और तो आप यहाँ पर जाना ऑटोकैड, सारे वर्जन सही है, कोई भी वर्जन में मत सोचना कि अच्छा है ये बुरा है, सारे वर्जन बहुत अच्छे हैं ऑटोकैड के, 16 सबसे बेस्ट है, स्लो चल मतलब फास्ट चलता है, सॉरी ये देखो ये आ गया आपका, आपको क्रैक चाहिए, ठीक है आपको क्रैक चाहिए तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना, और क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर देखोगे ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इसके अंदर क्रैक आ जाएगा। हम बोलोगे सर मेरे पास इतना डाटा नहीं है कि मेरे पास क्या बोलते हैं मैं इसको इंस्टॉल करके क्रैक कर पाऊँ, ठीक है तो परेशान मत होना मेरे पास वाईफाई है, तो मैं क्या कर दूंगा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में क्योंकि पहले ये डाउनलोड होगा फिर ही डाउनलोड होगा ये, तो मैं आपको क्रैक 2018 का व्हाट्सएप में ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है क्रैक करने का प्रोसेस आपका सेम है, क्रैक में जैसे ही दे दूंगा आपको उसके बाद आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है बहुत से यूट्यूब पे डाल देना चाहे तो, बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है और अगर उनकी जरूरत वैसे तो नहीं है, अगर ये इंस्टॉल हो, ये बहुत स्लो चल रहा है पता नहीं क्यों अचानक से स्लो कैसे हो गया, मेरा डाटा बहुत फास्ट होता है मेरे में, ये ज्यादा फास्ट हो रहा है कंपेयर टू दिस, हटाओ इसको फिर, ठीक है ये तो इसके बाद देखो स्पीड अच्छी है मेरी। तो अब इसके बाद क्या होता है, जैसे इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, मैं सोच रहा था कि एक को एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ, आप में से किसी के पास सॉफ्टवेयर है और इंस्टॉल नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप करो मुझे, तो मैं आपका स्क्रीन शेयर कर दूंगा अगर आप लैपटॉप पे हैं तो, अगर आप लैपटॉप पे हैं और आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल नहीं है तो आप बोलो तो मैं आपको इंस्टॉल करवा दूं, किसी का भी कोई है क्या ऐसा? कोई नहीं है, अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है सबके पास, ठीक है सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो तो समझ आ गया, ठीक है क्रैक भेजना, ओके 17 का भी क्रैक मैं भेज दूंगा, ठीक है 18 का भी भेज दूंगा, 17 का भी भेज दूंगा, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डाउनलोड होगा बट मेरे में जल्दी डाउनलोड होगा, आप लोग करोगे तो बहुत टाइम जाएगा क्योंकि वो पूरा 1 GB डाउनलोड होगा फिर उसके अंदर से क्रैक निकलेगा, मैं अलग से क्रैक भेज दूंगा। ठीक है यस इफ यू हैव अ 2013 दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है एक दो टूल्स नहीं है उसमें तो दैट विल मैनेज, नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल अगेन, ठीक है ओके सर सॉफ्टवेयर भी है और इंस्टॉल भी है बट ओके कोई दिक्कत नहीं, 2013 भी सही है, ठीक है और क्या बोलते हैं इन फ्यूचर जो तुम्हारा मन करेगा तो चेक कर लेना बट 13 इज ऑल्सो ओके।
मैंने खुद भी ऑटो कैड 2012 वाले वर्जन में सीखा था, ठीक है। बाद में जब मैं कंपनी में काम करने के लिए गया तो वहां पे 2015 वर्जन था, तो फिर हमने उससे धीरे धीरे सीख लिया। ओके ठीक है, शायद ये टाइम लगाएगा और हमारे में एक्चुअली इंस्टॉल भी नहीं होगा क्योंकि हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मेरे पास ऑटो कट नहीं गया, ठीक है। आई थिंक ऑटो कट हमारे पास नहीं रहता ज्यादातर, मतलब हम इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर डिलीट कर देते हैं सो दैट कि हमारे लैपटॉप पे वो ना पड़े लोड। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद नहीं है। ओके 12 मिनट दिखा रही, तो और किसी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन है मुझे, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या रिगार्डिंग दिस थिंग्स, ये अपने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, अगर आप जब इंस्टॉल करने जाओगे तो क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करते टाइम उस टाइम पर आपके पास प्रोडक्ट की पूछता है, ठीक है, एक सीरियल नंबर पूछेगा, एक प्रोडक्ट की पूछता है। आप में से जितने लोगों ने किया होगा उसने देखा होगा, ठीक है। तो 666 पहले बॉक्स में रखो, ठीक है। दूसरे बॉक्स में आपको रखना है वो रखना है 6666665, 6 times 66। तीसरे बॉक्स में प्रोडक्ट की पूछता है, क्या पूछता है? प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की आप डायरेक्ट गूगल कर देना, ऑटो कैड 2016 प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट की डालोगे, अब क्यों मैं इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि सबका अलग अलग वर्जन है, मुझे तो याद है सबका, बट सबका वर्जन अलग अलग है, तो इसलिए आप जस्ट गूगल करना सीख जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑटो कैड जैसे ही खोलोगे इसमें आप देखोगे तो आपके पास ऑटो कैड का देखो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। 8299 नहीं, देखो इसमें देखो ऑटो कैड के अलग अलग वर्जन है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सब आपको यूज नहीं करना है। और इसका दिया नहीं है क्या? देखो इसमें आएगा, इसमें ऑटो कैड ये आपका प्रोडक्ट की क्या है, 001H1। आपकी प्रोडक्ट की क्या है, 001H1, ठीक है। अब आपका सपोज ऑटो कैड 2016 है, ठीक है, ऑटो कैड 2016 है, तब तो आपने ये डाल दिया। अब ऑटो कैड आपका 2017 है तो क्या होगा, एच के जगह पे आगे आ जाएगा, क्या आएगा आगे, एच के बाद क्या आता है, आई आता है ना, तो 001I1, ठीक है। आपका ऑटो कैड 2018 है, ठीक है, तो क्या होगा, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, 001J1, क्या है, 1J1, ठीक है। आपका 19 है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, 001K1, ओके। और उसके बाद आपका ऑटो कैड 2020 है, 001L1, ठीक है, के बाद एल आता है, L1। यही आपकी प्रोडक्ट की रहेगी हर जगह पे, ठीक है। सिर्फ ये 16 का है तो आई एक एक नंबर बढ़ाते जो अल्फाबेट का, वही प्रोडक्ट की ऑटोडेस्क का आगे का रहता है, ठीक है, हमेशा। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने पूछा है कि क्या बोलते हैं, कितने सेशन होंगे। सेशन कोई फिक्स नहीं होता है कितने सेशन होंगे, वो डिपेंड करता है कि हमने टॉपिक कितने किए हैं निनन, तो सब कुछ टॉपिक बेस है। तो अप्रोक्स जो लगता है 1 महीने लगते हैं अपने को, ठीक है, 25 लेक्चर्स तक लगते हैं, ठीक है। 30 भी लग जाता है कभी कभी, कभी 22 में भी हो गया, बट इट्स नॉट मैटर। मैटर करता है कि हमें हमें वो सारी चीज पता चल गई क्या, कि जो हमें ऑटो कैड में आनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑटो कैड 3D इज ऑल्सो थॉट सर, यस 3D भी पढ़ाएंगे, सेक्शन एलिवेशन भी पढ़ाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, इज ऑल अप टू यू, कितना आप करते हो, ठीक है। हम जो मैं कराऊंगा एक रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल का मैं आपको प्लानिंग कराऊंगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड साइजेस बता दूंगा। प्रोजेक्ट तो मेरे पास बहुत ढेर सारे आपको पता है, तो प्रोजेक्ट मैं दे दूंगा, जिसको जितनी प्रैक्टिस करनी होगी उतनी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। ये जरूर जानता हूँ इसके बाद आप ड्राफ्टिंग के जॉब के लिए अगर जाओगे तो चाहे वो आर्किटेक्चरल फर्म हो या फिर स्ट्रक्चरल फर्म हो, आपका रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है, आपका रिजेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं एक रेफरेंस वीडियो भेज दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है, एक रेफरेंस वीडियो भेज दूंगा हाउ टू इंस्टॉल। जिसका इंस्टॉल नहीं होगा परेशान मत होना कि सर यार मेरा तो इंस्टॉल ही नहीं हो, कैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा, हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग का क्रैक का रहेगा, क्रैक का भी मैं भेज दूंगा कि देखो क्रैक ऐसे ऐसे करना है, अब वैसे वैसे करके क्रैक कर जाना, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा तो कल की क्लास में हम आपका स्क्रीन शेयर कर देंगे, क्योंकि कल आपके पास सॉफ्टवेयर तो रहेगा ही रहेगा, तो सॉफ्टवेयर रहेगा तो बस स्क्रीन शेयर करके हम करा भी देंगे,
इसका टेंशन मत लेना कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा कैसे प्रैक्टिस होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़े से पेशेंस खो देते हैं, तो पेशेंस मत खोना, हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो मैं सारा कुछ भेज दूंगा, नहीं हुआ फिर भी तो मैं आपका कल स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर है, कुछ लोग के लैपटॉप में ऐसा होता है कि कुछ लोग के लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनकी कुछ फाइलें मिसिंग होती हैं, तो इसको कुछ समझो कि ये टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, तो अभी फाइलें मिसिंग है तो क्या कर सकते हो? फिर हो सकता है कि कुछ लोग का तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको फॉर्मेट कराना पड़े अपने सिस्टम को। ठीक है, कुछ लोग का पॉसिबल रहेगा तो हो जाएगा, 80% लोगों का हो जाता है। ठीक है सर, म्यूनिसिपल सबमिशन ड्राइंग भी लर्न करेंगे क्या? हाँ जी, हम आपको म्यूनिसिपल सबमिशन ड्राइंग्स मेरी खुद की हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें मैंने दिखाना ही है। कराता क्या है, केवल मार्जिन तो छोड़ना रहता है। ठीक है, तो हमारी जो खुद की ड्राइंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो ड्राइंग भी आपको शेयर करूंगा, आप उस ड्राइंग को देख भी सकते हो और उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको बनाने के लिए सर, व्हाट इज ड्राफ्टिंग पर्पस एंड ड्राफ्टिंग कंपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस। अरे बाप रे, एक एक ही लाइन में इतने क्वेश्चन, ठीक है, एक साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पर बता देता हूँ कि ड्राफ्टिंग पर्पस, ठीक है, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग एक ऐसी कला है सिविल इंजीनियरिंग की जो सबसे पहले स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि वांट टू बिकम, सपोज आई वांट टू बिकम अ मिलीनियर, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ मिलीनियर, ठीक है, मैं एक करोड़पति बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरा पहला प्लान क्या होगा? ठीक है, मेरा पहला काम क्या होगा? मैं एक डायरी ओपन करूंगा, ठीक है, उस डायरी में मैं अपने प्लान को लिखूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्लान को लिखूंगा कि ओके मेरे इनकम सोर्सेस ऐसे ऐसे मैं जनरेट करूंगा, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, मतलब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना अपने ऑटोकैड को, पहले अब अपने डायरी पे। अच्छा ठीक है, इसके बाद अपन ये चीज को मैनेज करेंगे, इसके बाद इस चीज को मैनेज करेंगे, ओके, इस तरीके से फाइनल हम लोग प्लान करेंगे और 1 CR तक या 2 CR या फिर 10 CR जो भी हमारा एम होगा वो हम पहुंच जाएंगे। राइट, हो सकता है कुछ लोग का मनी का होगा, कुछ लोग का होगा कि मुझे अपने जॉब में एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, तो कैसे बनेंगे, वो प्लानिंग कर रहे होंगे, मैं ऑटो कैड सीखूंगा, स्टेटो सीखूंगा, ईटैब, RCDC, सेफ ये सीखूंगा, मॉडलिंग का एक सॉफ्टवेयर सीख लूंगा, इसके बाद एक छोटी कंपनी में काम करूंगा, फिर बड़ी कंपनी में काम करूंगा, कुछ इस तरीके से सेट करोगे ना। ये क्या हुआ, पहला जो माइंड का थॉट है उसको कहीं ना कहीं आपको स्केच करना चाहिए और करते हो, तो वही जो माइंड का थॉट है उसको स्केच करने के लिए हम लोग ऑटो कैड को यूज करते हैं। ऑटो कैड से यूज करने से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि मान लो आपने स्केच किया, ये इतना है प्लॉट का साइज, बाद में हो गया इतना, लो एडिट कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो आप अगर नोटबुक में अगर ड्रॉ करोगे तो प्रॉब्लम जाएगी, नोटबुक में आपको ये फिर से इरेज या फिर पेन है तो कट करोगे, दूसरा पेज खराब करोगे, बेटर कि आप यहाँ पर ही ऐसे कर लो, फटाफट एडिट कर लो। इसके लिए स्केचिंग का जो पहला थॉट है बिल्डिंग के लिए, वो थॉट आप इसके अंदर कर सकते हो, दैट फॉर दैट वी यूज ऑटोकैड। ठीक है, ओके सर, लेयर में रहती है म्यूनिसिपल सबमिशंस? यस, उसके पीडीआर का, पीडीआरसी का वो सॉफ्टवेयर होता है, एक प्लगइन होता है जिसको हम इसमें तो नहीं इंस्टॉल कर सकते, बट मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको लेते हैं और उसको लेके आप कैसे उसको देना होता है, मैं बता दूंगा प्रोसेस। ओके, तो हाउ टू बिकम इंटरप्रेन्योर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर? ठीक है, इंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैं आपको बोलूँ तो मैंने जो किया था वो बता सकता हूँ आपका, आपको अपने हिसाब से अपनी लाइन करना चाहिए, मेरे गाइड को फॉलो करो, जरूरी नहीं है आप। तो मैंने क्या किया था, हम और मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो हम दोनों क्या करते थे, उसके पास बाइक थी, हमारे पास बाइक नहीं थी, तो कॉलेज के टाइम पे मैं तो थोड़ा सा ऐसे आ जाता था कि चलो ठीक है, तो हम लोगों ने एक ऑटोकैड सीखा और वो 2012 का टाइम था, तो 2012 का हम, और हमने क्या किया, फिर हमने अपने बाइक से अपने दोस्त से बोला कि हम लोग चलते हैं कॉलेज के बाद, क्या करेंगे, चल के आर्किटेक्ट से मिल के आते हैं। ठीक है, तो हमारे एक मौसा जी थे जो आर्किटेक्ट थे, मैंने पहचान निकाली उनसे, और कजिन थे तो थोड़ा सा दूर के पहचान से ही पहचान निकाल लिया। फिर मैंने उनको बोला कि आप हमें कुछ ड्राइंग देते जाइए, हम आपकी ड्राइंग बना के जाएंगे, अभी अभी हमने ऑटोकैड सीखा है। तो हंसने लगे पहले, तो बोले क्या बनाओगे तुम, तो अभी तो तुमने सीखा है। ठीक है, तो बात भी वही सही थी, उन्होंने जो ड्राइंग दिया मैं कुछ बना नहीं पाया, तो उन्होंने बोला रहने दो। तो मैंने बोला कि आप मुझे कुछ सैंपल्स दे देंगे क्या, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, दे दो, ले लो सैंपल्स, इतने ढेर सारे तो पड़े हैं मेरे पास। तो अब जब रिलेटिव थे तो उन्होंने दे दिया ढेर सारा, लगभग 100-150, उन्होंने बोला कॉपी कर लो, हमने उनका पूरा लैपटॉप खाली कर दिया। तो हमने सारा लैपटॉप से ले आए, और ले आके फिर हम लोग, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था ना कि अपन, मतलब इंटरनेट वो 199 का हम लोग डलाते थे, तो उतना पैसे नहीं होते थे इतने,
और यूट्यूब यूट्यूब तो होता नहीं था इतना ज्यादा, तो हम लोगों ने क्या किया उसको प्लानिंग को देख देख के और एक एक प्लानिंग को बनाना स्टार्ट किया। तो लगभग हम लोगों ने 15 से 20 प्लान उनके बनाए, जो कि छोटे थे बड़े थे, गलत सही बनाया, बट देख देख के पूरा बना लिया। और बनाने के बाद क्या किया हमने, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया कि बना के, क्योंकि बनाया तो हमने उसके देख के ही बनाया, बट बनाया हमने, नीचे हमने अपना नाम लिख दिया, और अपना नाम लिख के और फिर जाके आर्किटेक्ट को, कुछ आर्किटेक्ट थे उनको दिखाया कि देखिए ये प्लानिंग हमने की हुई है, ठीक है। तो बोलते अरे यार बड़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रखे हो, एक्चुअली प्लानिंग मेरी नहीं थी, प्लानिंग किसी ने किया था, हमने सिर्फ कॉपी किया था। तो उन्होंने बोला अच्छा है। तो फिर मैंने, उन्होंने बोला आप चार्ज क्या करते हो, तो हमें कुछ पता ही नहीं था चार्ज कितना करना है, तो हमने कहा 200 रुपए। वो खुश हो गए, ठीक है, दे वो हैप्पी कि यार 200 रुपए में इतना बड़ा मिल गया है, क्या दिक्कत क्या है, ठीक है। तो हमने 200 रुपए में, उन्होंने बोला ठीक है कल से तुम आ जाओ, बहुत प्लान है मेरे पास, तुम बनाते जाओ। तो हम लोग लैपटॉप से जाते थे उनके पास, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाते थे। उन्होंने हमें 200 रुपए में एक एक प्लानिंग करवाई हमसे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही होती थी, बट फिर भी 3 घंटे 2 घंटे लगते थे। तो 200 रुपए में हम लोग बनाते थे, और उसके बाद फिर उन्होंने, उनको अच्छा लगने लगा तो दूसरी जगह रिफर देने लगे, बोले इधर चले जाओ उनके पास भी रहता है, इनके पास भी रहता है। तो हम लोग को लगभग हफ्ते में 5 6 प्लान मिल जाते थे, जो कि हम लोग 100 रुपए 200 रुपए लैपटॉप अपना लेके जाते थे, उनके ही फॉर्म में ही बैठ के वहीं पे बना के उनको दे के आ जाते थे। तो 100 200 रुपए मिलते थे, 200 में 100 उसको देता था, 100 मैं लेता था, 20 20 का पेट्रोल डलाते थे, 80 रुपए का प्रॉफिट होता था, ठीक है, लेकिन वो हमारी पॉकेट मनी निकल जाती थी। इस तरीके से मैं इंटरप्रेन्योर बना, और फिर उसके बाद मैं अपना काम भी करता गया, जो भी जॉब किया जॉब के साथ पार्ट टाइम मैंने ये हमेशा जारी रखा, बट अभी मेरे चार्जेस ज्यादा है पहले कंपेयर में, पहले मुझे पता नहीं था इससे 200 रुपए बनाता था। और भी लंबी स्टोरी है, बट अभी मैं समराइज कर दिया इसको। तो फिर 200 रुपए इसके जगह पे अभी जो हम लोग प्लानिंग का करते हैं, जो मेरा कॉस्ट है वो 3 रुपीज स्क्वायर फीट है, कितना है 3 रुपए स्क्वायर फीट मैं अभी चार्ज करता हूँ, ठीक है। मैं एजुकेशन के लिए ज्यादा कुछ चार्जेस नहीं करता हूँ, एजुकेशन में जितना कम हो जाता है कर देता हूँ, बट मैं आप क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट का 1 भी रुपए कम नहीं करता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत ही डेडिकेशन के साथ करता हूँ। अगर आपका भी प्रोजेक्ट रहेगा तो जो मेरा चार्ज रहेगा मैं वही लूंगा, और एजुकेशन में कोई बोलता है अगर कोई ऐसे परेशान है तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बोलेगा वो ले लेता हूँ, बट उससे कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा एक्चुअल वर्क है, उसमें क्वालिटी दूंगा और अच्छा पैसा लूंगा। तो अभी हम लोग, अभी मेरे पास एक हैदराबाद का प्रोजेक्ट आया है, अभी मैं उसका व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर पाया हूँ, तो लगभग वो 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर का एरिया है, देखता हूँ अभी क्या करना है उसमें। तो मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट आते रहते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट करते रहते हैं पार्ट टाइम में, अभी तो हमारे पास 2 लड़के भी हो गए हैं, तो वो ज्यादातर वही करते हैं, मैं कहाँ कर पाता हूँ तो वो करते हैं, मैं केवल क्रॉस चेक करके सबमिट कर देता हूँ, बस इतना सा काम रहता है, चाहे स्ट्रक्चर का मॉडलिंग है सब ये अपने पास सब कुछ है। तो आप लोग के पास भी कोई प्रोजेक्ट रहे तो अब ले लीजिएगा और कर लीजिएगा, लेकिन ये बता दूं ये इंटरप्रेन्योर बनने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि आप एक साथ मत करो, ठीक है, एक साथ करोगे तो फंस जाओगे। जैसे कि मैंने क्या किया, मेरा अभी भी जॉब चल रहा है, ठीक है, अब मैं जॉब जल्दी ही छोड़ने वाला हूँ 1 महीने के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं रिजाइन पीरियड हूँ। तो क्यों ऐसे छोड़ने वाला हूँ मैं जॉब, क्योंकि अब मैंने हो गया लगभग 5 साल हो गया इंडस्ट्री में, ठीक है, नॉलेज हो गया है और सब कुछ हो गया है, ठीक है, तो मुझे भी काम दे दीजिए। डेफिनेटली जिस दिन लगेगा कि तुम काम के लायक हो, अंबुज में खुद ही हायर कर लूंगा। मैं आप में से कई लड़कों को कॉल करता हूँ, आप में से कुछ लड़के होंगे जिनको पता होगा मैंने कॉल किया होगा, ठीक, आपका नया बैचेस पता नहीं है, ओल्ड बैचेस में जितने बच्चे रहते हैं जिनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद ही उनको कॉल करता हूँ, और कॉल करके उनको बोलता हूँ कि एक सैंपल मुझे करके दिखाओ, ठीक है, तो करते रहो, अगर कभी ऐसा लगा तो डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। व्हाट इज आप कहाँ से हो, ठीक है, मैं यार क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छे जगह से हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। अंशुमान तुम शायद उधर ही कहीं से हो, तुमने कुछ मैसेज किया था मुझे, तो मुझे याद नहीं है कहाँ से तुम हो, बट तुमने कुछ प्रयागराज के पास से ही तुम कहीं से हो, ठीक है। व्हाट इज 3D मॉडलिंग सर, 3D मॉडलिंग मतलब यार कि जैसे कि अपन ने अयोध्या से हो, क्या बात है, अयोध्या से हो, ठीक है, मैं ना अयोध्या से हो क्या, मैं ना अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या के पास वहां पर अकबरपुर है, तुमको पता होगा अकबरपुर मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, तो मैं उधर जाता रहता हूँ, ठीक है। हाँ तो तुम तब अकबर, अगर तुम थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से जुड़े हो तो पवन पांडे राकेश पांडे को जानते हो क्या, पवन पांडे राकेश पांडे ऐसे लोगों जानते हो क्या किसी को, तो ये लोग, हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के अंकल है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं एक अंकल है, पिताजी भी है, ठीक है, बट यहाँ ओपन नहीं कर सकता, उसको रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो
इन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है कि 3D मॉडलिंग क्या होता है। 3D मॉडलिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो जाए लोगों को, क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम बनाते हैं मॉडल को, ठीक है। मतलब जैसे प्लान बना दिया, प्लान बनाने के बाद मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो समझ गया कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन सपोज कि अंशुमान ने अभी अभी क्या बोलते हैं, बीए पास किया हुआ, क्या किया, बीए पास किया हुआ है, तो अब बीए जब पास किया तो इसको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है, एग्जैक्टली कैसे करना है। तो हमने एक अच्छा सा मॉडल दे दिया, और मॉडल देने के बाद दिखा दिया कि देखो ये मॉडल है, ऐसे ऐसे बनेगा आपका घर, आप खुश हो जाओगे ना, तो आपका हैप्पीनेस बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट हमको मिल जाता है, इसके लिए मॉडलिंग होता है, ठीक है। आगे दिखाऊंगा कुछ मॉडलिंग अपने प्रोजेक्ट में, खुद का दिखाऊंगा तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कौन कौन से होते हैं। रैबिट में हम लोग करते हैं मॉडलिंग ज्यादातर, इनवैलिड हो रहा है, ठीक है, ओके। आप लैपटॉप से आ जाओ, मैं आपका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सीरियल नंबर पहले वाले में 666 करना है। आप लैपटॉप से हो क्या आलम? सर फोन से, सर लैपटॉप में आप डाउनलोड ही लैपटॉप नहीं से हो हो रहा, क्या? सर लैपटॉप पे डाउनलोड ही नहीं हो रहा है गो मीटिंग। ओके, आप लैपटॉप से हो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, आप लैपटॉप से लॉगिन हो इस समय? सर मोबाइल से हूँ सर। अच्छा, उसमें गो टू मीटिंग नहीं चल रहा है क्या लैपटॉप में? यस सर नहीं चल रहा है। उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट लिंक पर क्लिक करोगे अपने आप शेयर हो जाएगा स्क्रीन। ये देखो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, हो गया है अपना डाउनलोड, हो गया बात करते करते हम लोग का। ये देखो ये हो गया है, 1 मिनट में हो जाएगा, ये मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। लैपटॉप में व्हाट्सएप खोलो, और व्हाट्सएप पे जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे तो तुरंत ही स्क्रीन शेयर हो जाएगा। ठीक गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही ले लेता है डायरेक्ट, वो तो छोटा सा है। ये देखिए आपका हो गया, मैं दिखा देता हूँ इधर करके थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है। ओके, इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर के चार्जेस क्या लेते हैं। स्ट्रक्चर के चार्जेस में 5 रुपीज स्क्वायर फीट करता हूँ मैं, 5 रुपीज स्क्वायर फीट मेरा स्ट्रक्चर का चार्ज होता है। फिर भी मैंने बहुत ज्यादा रेट नहीं रखा है, लोगों ने बहुत ज्यादा रखा है, मैं उतना ही रखता हूँ कि जितना प्रोजेक्ट भी मिले, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रख दो, रख तो दू 25 रुपए, बट सॉफ्ट कोई पैसे देगा तब तो इतना, तो इसकी वजह से उतना ही रखता हूँ। अभी हम लोग मई से स्टार्ट कर रहे हैं अपना खुद का सेलिंग, तो मई से हम लोग ज्यादातर कोशिश खुद का ही प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट वोजेक्ट बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये सॉफ्टवेयर आएगा कुछ इस तरीके से डाउनलोड होके, ठीक है, मैं पूरा स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आई लीव, ओके सर मेरा ऑफिस, हाँ जी हाँ जी जा सकते हो, 8:30 तक ही क्लास था, बट ये पहला क्लास था तो कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसलिए ऑनलाइन रह गया, ठीक है। मेरा भी काम 9 बजे से स्टार्ट होता है, सो इसलिए मैं अभी फ्री हूँ। तो जस्ट इस पर राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सट्रेट कमांड होगी, आपके पास बिंडार होगा तो आपको एक्सट्रेट टू गेट इनटू पीसी करके ऑप्शन आएगा, मेरे में नहीं है, आपके में आएगा एक्सट्रेट टू गेट इनटू पीसी, ठीक है। तो आप उस पे कर देना, और मैं यहां से करूंगा एक्सट्रेट टू गेट इनटू पीसी, क्योंकि मेरा 7 जीप है मेरे पास, आपके पास बिंडार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक्सट्रेट करोगे तुरंत ही देखो एक्सट्रेट होने लगेगा इस तरीके से, मुझे ऑटोकैड बंद करना पड़ेगा। बाकी लोग जिसका इंस्टॉल हो गया है दे कैन लीव, ठीक है, जाके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ी देर में आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। मैंने ज्यादा इसीलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे पता था कई लोग के पास लैपटॉप नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स होगी, तो बेटर की क्या बोलते हैं इतना ही रखते हैं। देखो ये एक्सट्रैक्ट होने लगा, जैसे एक्सट्रैक्ट होगा पूरा तो यहाँ पर फटाफट ओपन आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके पास। सर प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग, आई हैव मिस्ड हाफ। हाँ जी हाँ जी शेयर कर देंगे, डोंट वरी, आप ही क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं तो डेली रिकॉर्ड करता हूँ, इतना मैं क्या करूंगा। ले जाना रिकॉर्डिंग, पढ़ना आराम से। ये हो गया इनका, भाई हो जाए यार, मेरा लैपटॉप फास्ट है इसकी वजह से इतना जल्दी हो रहा है, आप लोग परेशान मत होना, आपके में थोड़ा टाइम लग गया, मेरे में 16 GB रैम है, 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है।
ओके देखो एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद इस तरीके से फोल्डर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपना जब भी क्लास करने का क्वेश्चन पूछो तो माइक बंद कर दो, तो माइक नहीं बंद करोगे तो आपका बैकग्राउंड का आवाज आता रहेगा, तो उससे दूसरे लोग प्रॉब्लम होगी। देखो इस तरीके से आ जाएगा, फिर ये जो सेटअप है सेटअप पे राइट क्लिक करना और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर कर देना, राइट क्लिक रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, वो पूछेगा यस, आपको कर देना है यस। जैसे ही यस करोगे तो कुछ इस तरीके सेटअप चलेगा, कोई भी वर्जन हो इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी फर्क रहेगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पूछेगा आई एक्सेप्ट, कर दो आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ देखो सीरियल नंबर पूछेगा, पहले वाले में डालना 666, दूसरे वाले में डाल देना 666666, ठीक है, कितने सिक्स हैं देख लो, 3 2 5 सॉरी 3 3 3 3 6 2 8, 8 6 है, ठीक है। और इसके बाद 001H1, ये देखो सभी सही है ना, ठीक है, आलम देख लो ऐसे ही करना है, ठीक है। 666666 यहाँ में कर दो, जब तक वो मांगे पूरा बॉक्स फिल कर दो उसका, फिर इसके बाद ये, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे तुरंत ही इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, मेरे में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोल रहा है देखो यहाँ पर टिक दे दिया ना, क्योंकि मेरे में तो पहले से है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपसे पूछेगा ट्राई और क्रैक, ठीक है, तो कई लोगों का पहले से ट्राई हुआ रहेगा, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम जाएगी, सॉरी ट्राई खत्म हो गया होगा तो उनको क्रैक करना पड़ेगा, उनके लिए मैं क्रैक फाइल भेज दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर में डाउनलोड करके, ठीक है। 16 का भी क्रैक भेज दे रहा हूँ, 18 का भी भेज दे रहा हूँ, 17 का भी भेज दे रहा हूँ, सब लोग अपने अपने क्रैक्स यूज कर लेना, ठीक है, बस उसको क्रैक को यूज करो और अपना क्रैक कर लो, उसके लिए मैं एक वीडियो भेज दे रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। सर आई हैव अ प्लॉट साइज सर एट एंड ऑफ द सेशन, कैन आई ड्रॉ द बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल कर सकते हो आराम से, इतना तो मैं सिखाई दूंगा यार, प्लॉट तो आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इवन आई विल गिव यू मेनी प्लांस माइन, यू कैन जस्ट ट्राई टू ड्रॉ कार्तिक, एंड डेफिनेटली यू कैन, इफ एनी करेक्शन आई विल टेल यू कि व्हाट व्हाट करेक्शन नीडेड, ठीक है। इवन आई एम गोइंग टू टीच वास्तु ऑल्सो, ठीक है, सो डोंट वरी। चलो तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, बाकी मिलते हैं कल, आपको क्रैक में भेज दूंगा, क्रैक कैसे करना है उसके लिए बहुत से वीडियोस है, मैं वीडियोस भी भेज दूंगा आपको, ठीक है, तो देख के आप कर जाना, नहीं होगा तो भी परेशान मत होना, कल लैपटॉप से लॉग इन आने की कोशिश करना, ठीक।